आप ठीक कह रहे जी, टाइम बिल्कुल खराब चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूं। अरे मत मारो इसे। अरे इसको बोल अपना मुंह काला करे, इसने मेरा नुकसान क्या भी। निकल जा, निकल जा मेरे, निकल जाऊंगा लेकिन बैंड बाजा लेकर आऊंगा, हाथी पे सवार होकर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ साथ फेरे लूंगा। मेरे बाप का राजा को लड्डू है जो खा जाएगा। क्या कमी है उसमें बापू? अरे सर से पैर तक नंगा, क्या कमी है? न सर का पता, न पैर का पता, केरा के कपड़े, जेब में एक पैसा तक नहीं है। पैसा 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 पैसा, जेब की बात कर रहा है तू? अरे घर में गोलियां भरी हुई है मेरी पैसों की। भरी हुई? बोलो कितनी कीमत है तुम्हारी बेटी की? अच्छा, तू मेरी बेटी की कीमत चुकाएगा? चल मैं भी दरिया दिली दिखाता हूँ। दुनिया के लिए ज्यादा, तेरे लिए कम। दुनिया के लिए 20,000, तेरे लिए सिर्फ 40,000। देखा, दुनिया के लिए 20,000 और मेरे लिए सिर्फ 40,000। इधर भी बेईमानी, इतना बड़ा बेईमान आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आईना दिखाऊं? अभी नजर आ। अरे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अरे 40,000 तो क्या, मैं 50,000 रुपया लेकर आऊंगा और तेरे मुंह पर मारूंगा। अगर नहीं मारा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। कौन सी नई बात है? तेरा बाप खुद उसके बाप की औलाद नहीं थी। तुम्हारे खानदान में कोई किसी की औलाद थी क्या? ए बुड्ढे, इसे कुछ नहीं कहना। अबे ठहर, ठहर। गोरी हकलाइया, मैं लाता तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल मा। गोरी हकलाइया, अपना बना ले मुझे बाल। छोड़, मेरा बापू आ जाएगा। अरे तेरा बापू नहीं आ सकता, वो खेतों में गया लोटा लेकर, समझ गई ना? अरे वो अपना काम करने गया है, चल हम अपना काम कर लेते हैं, चिटक जा। देखो तो मजाक करता रहता है, कुछ करता वरता तो है नहीं। मेरा बापू मुझे कहीं और बेच डालेगा, तू गाना गाता रहेगा। कल मुझे कोई और देखने आने वाला है। और बनारसी, अगर मेरा कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ना जलेबी ना, मत रो। ना तेरा कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा, जो कुछ होगा तेरे बापू का होगा। मैं उसे जलेबी के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो जिंदगी और बाहर नहीं निकल सकेगा। चल एक बापू दे दे। अरे बेशरम, सब देख रहे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरी मदद करो, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। एक पप्पी लेने दो ना, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ चल, एक पप्पी। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद कप। मांगनलाल मिठाई वाले, तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला, नहीं मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। हाँ। कोई मैं, ये मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? तो मैं क्या हूँ? ये क्या कर रहे हो, कोई देखेगा ना? तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आँख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? देखो मैं खानदानी कुंवारी लड़की हूँ, यू बिहेव विद मी। माँ क्या पहाड़ जैसी औरत है? तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम उसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता हूँ। ना जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है, जलेबा? तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तुम्हें जलेबा हूँ? हाँ। पहले मुझे खा। मगन भाई, ओ मगन भाई। अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है, मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा शराप है। शराप? हाँ, पता, एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले
जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना। क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूँ फिर? मुझसे शादी? शादी मैं कैसे करूँ? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम बटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तू मर जाएगा। ओ ससुर जी, नमस्ते। पसर जी, मैं तुझे पूरा गांव में ढूंढ रहा, तू था कहाँ? मैं तो यहीं था। अच्छा, ले ये मुंह मिठा कर। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्रेम मिलाया ना, लिखो ना। क्या चक्कर है? आज है ना बहुत महान दिन है, पंडित ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है क्या? मुहूर्त तो निकलते रहते हैं। अच्छा चल, चल तू मेरे घर चल। क्यों? आज तुझे मालूम नहीं क्या दिन है? आज क्या दिन है? ये रक्षाबंधन का दिन है। चल मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी के हाथों से राखी बंधवा ले। चलो। प्रभु तेरी बहुत कृपा है मुझ पर, तेरा दिया सब कुछ है, बस इतना और कर दे मालिक कि मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह संभाल सकूं, उसे खुश रखना। प्रभु भोलेनाथ एक विनती और है, मेरी तुलसी के लिए कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसे हमेशा खुश रखे। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी बच्चे। प्रभु अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप? हाँ हम है बाल ब्रह्मचारी चटाधारी कन्या कुमारी, समझा बच्चा शंकर? आप तो चमत्कारी प्रभु, आप मेरा नाम भी जानते हैं। बच्चा नाम भी जानते हैं और तुम्हारा दुख दर्द भी जानते हैं, बहन की चिंता खाई जा रही है तुम्हें। आप महान हैं प्रभु, अंतर्यामी हैं, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी बहन सदा सुखी रहे। असंभव 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 बच्चे। क्यों प्रभु? इसलिए कि तुम पर कन्या राशि का प्रकोप है। ये प्रकोप क्या होता है जी? प्रकोप प्रकोप इस प्रकोप प्रॉब्लम समस्या समस्या। प्रभु हाँ। आप तो इंग्लिश भाषा भी जानते हैं, इसका उपाय भी बता दीजिए। उपाय है बच्चा, कन्या राशि का तोड़ कन्या से ही होगा। कन्या राशि का तोड़ कन्या से होगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा प्रभु। शादी कर लो बच्चा, एक कन्या घर के अंदर आएगी और एक कन्या घर से बाहर जाएगी। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी। महाराज आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या देख रहे हो बच्चा? देख रहा हूँ महाराज कि ईश्वर की लीला कितनी न्यारी है। वाह भोलेनाथ वाह। जानते हो महाराज, रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और कहने लगे। क्या कहने लगे? कि सुबह सुबह मंदिर के सामने एक जटाधारी बाल ब्रह्मचारी महाराज मिलेंगे, बस उनके पाँव पकड़ लेना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जय महाराज। अवश्य पूरी होगी बच्चा, अवश्य पूरी होगी, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक सीधी साधी भोली भाली मामूली किसान की बहन है, ये प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे अरे महाराज, अव्वल तो प्यार बड़ी मुश्किल से होता है, अगर होता है तो अमीरी गरीबी का चक्कर कहाँ दिखता है। क्या कह रहे हो महाराज आप? वाह बच्चा वाह, हम तेरी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जा, भगवान तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अलख निरंजन। अरे महाराज कहाँ चले, इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कहाँ चले, हमें भी तो मौका दो सेवा करने का, हम भी तो तुम्हारे। छूना नहीं छूना नहीं, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। यार मैं तो वैसे ही जल रहे महाराज। बाय द वे आपने कभी प्यार किया महाराज? हम बाल ब्रह्मचारी। ओहो आप बाल ब्रह्मचारी, अच्छा है मैं भी ब्रह्मचारी, लेकिन ये क्या है कन्याकुमारी है?
क्या है ये, क्या है ये? वो क्या? वो भैया। वो भैया कहाँ? भैया का चक्कर। ओह भैया का चक्कर याद रहता है लेकिन मेरा चक्कर कोई याद नहीं रहता। अरे तेरी तुम डरी खींच तू देख रहे कहाँ है भैया। अच्छा अच्छा जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। आइए मालिक आइए। बलबीरा जी ये घर को घूम रहा है। मालिक अभी तो सिर्फ घर घूमता है, थोड़ी देर के बाद आपको दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। लगता है आज शिवरात्रि के दिन मंदिर में आपको ठंडाई की जगह भांग पिला दी गई है। भांग अब क्या होगा? मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुलसी तो गाय को रो रही है। तुलसी तो रोएगी तो मुझको भी रोना है। तुलसी तुझे मेरे के साथ तुलसी तो रोएगी नहीं। तुलसी तुझे मेरे के साथ मर्दों के रोते हो। मैं कहाँ रो रहा हूँ? लेकिन तुलसी तो रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। अबे तू क्यों रो रहा है? मालिक आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा ही ना। भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है, आदमी रोता है तो रोता ही रहता है और हंसता है तो हंसता ही रहता है। मालिक आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ। बम भोलेनाथ। चलो। वाह भोलेनाथ वाह, तेरी भांग की बूटी की भी क्या ब्यूटी है। दिन को रात कर दे और रात को दिन। बम बम भोले। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ये तो भैंसों का तबेला है, यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली। मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो। देखना मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। अरे रे 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 मेरी प्यारी बच्ची। बापू सुबह से शाम तक काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं आज तेरी छुट्टी। हाँ? ये ले 5 पैसे ले और जाके सिनेमा देख कर आ। 5 पैसे? 5 पैसे में सिनेमा नहीं होता। अच्छा ले 10 पैसा, बहुत हो गया। सुबह से शाम तक सिनेमा देखते ना जा। बापू 10 पैसे में सिनेमा देखा जाता है क्या? 10 पैसे में भी नहीं होता। अभी मैं क्या करूँ? ये तो नोट, ये तो महीने भर का खर्चा है। ले सिनेमा देखना, बाकी का लेकर आना। संभाल क्या? पर अपने गांव में सिनेमा है ही नहीं। नहीं है तो पहले बोलेगा था ना यार। सिनेमा नहीं है तो मेरी मोहब्बत का पिंजरा हवा में लटक जाएगा यार। अरे बापू क्या सोच रहे हो? एक काम करना, मेला देखकर ना सुबह से शाम तक जा। मेला? पर वो तो कल ही खत्म हो गया। तो पैसा भी खत्म हो गया। तू फिर एक काम करना, तू अपनी सारी सहेली को लेकर गांव में खेतों में जा, खूब गन्ने खा, सुबह जा शाम को आ, जल्दी नहीं आना। जा। अच्छा अब पैसा? गन्ना खाएगी चुरा के, उसके लिए पैसा कहाँ से? चले जा। जाऊँ? जा। अच्छा जल्दी नहीं आना। जा इधर कहाँ जा रही? उधर जा ना। इधर से? जा उधर जा। इधर नहीं आ। जा 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 जाओ जल्दी जाओ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मैं छुपी हूँ यहाँ, तू तड़पता वहाँ। तेरा मेरा मिलन है जन्मों का मिलन, तो दूर 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 पास 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 आ जा। बापू ये क्या कर रहा है? तेरी बेटी आ गई है कबाब में हड्डी, ये तो मेरी इज्जत लूट रहा था। सारी मोहब्बत का मजा किरकिरा कर दिया। बापू अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, सुझा जा। क्या कर रहे हो? अरे क्या है बापू मैं आ गई। क्यों आ गई? जल्दी आने की क्या जरूरत थी?
अरे बाबू वहाँ खेतों में तो कोई है। अच्छा नहीं। तो संजार घाट में घूम के आ सकती थी। क्या हुआ? खटमल काट रहे। अरे कुछ खाने तो दो। अरे किसी सहेली के घर में खाना खा गए, घर में खाना नहीं जा। बस थोड़ा। अरे अच्छा निकल जाए। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूँ? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा? अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुड्ढा खुसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तू मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप कस ले। सांप 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 काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे हजार वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला? मेरा वाला, शराब वाला। क्या मुसीबत है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की? रिश्ता नक्की। एक पपीते मर जाएगा? मैं भी लगा दूं, तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालसी बुड्ढे को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दे अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुड्ढे, जल्दी से हमारे ससुर मगनलाल को बुलाओ। ए तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगनलाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगनलाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन क्या तेरे पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा तुम्हें। मैं नहीं छोड़ने वाला उसको। अरे पनासी, क्या हो गया तुझे, पागल हो गया है? अरे ये बुड्ढा बोलता है कि ये मगनलाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगनलाल है। करण,